इस वक्त की बड़ी अपडेट सामने निकल के आ रही है। जी हां दोस्तों, नए संसद भवन के उद्घाटन से पहले यहां पर हजारों की संख्या में किसान दिल्ली की तरफ कूच की तैयारी में। जी हां दोस्तों, पहलवानों की तरफ से आया बयान, लाठियां गोलिये सहेंगे मगर करके रहेंगे महापंचायत नई संसद के सामने। सरकार में मचा है किसानों और खाप पंचायतों के ऐलान के बाद हड़कंप। जी हां दोस्तों, पूरी खबर विस्तार से बताएंगे। उससे पहले अगर आप लोग भी खुले तौर पर किसानों और पहलवानों के समर्थन में खड़े हैं तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। अपडेट आप लोगों को बताते चलें, नए संसद भवन का उद्घाटन कल, अखाड़ा बनाने में जुटी खाप। जी हां दोस्तों, बीजेपी के सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह की गिरफ्तारी की मांग पर अड़े पहलवान अब 28 मई को संसद तक मार्च निकाल करके महिला महापंचायत की तैयारी कर रहे हैं। इस संबंध में महिला रेसलर्स साक्षी मलिक ने मीडिया को जानकारी दी है और इसके साथ ही यहां पर बताते चलें, पहलवानों ने कहा है कि लाठियां गोले सहेंगे मगर करेंगे महापंचायत। पहलवानों का ऐलान दिल्ली पुलिस ने रोकने के लिए प्लान बनाया है। साक्षी मलिक की तरफ से जानकारी दी गई है कि हरियाणा और पंजाब से आने वाले जत्थे सुबह 11 बजे सिंधु बॉर्डर तक पहुंचेंगे। हरियाणा की खाप पंचायतें और टोल प्लाजा संघर्ष समिति टिकरी बॉर्डर से आएंगी। साक्षी ने आगे बताया है कि यूपी से किसान और मजदूर गाजीपुर बॉर्डर के जरिए दिल्ली में प्रवेश करेंगे। राजस्थान से भी खाप पंचायतें संसद भवन के सामने आएंगी और हजारों की संख्या में महिलाएं भी कई राज्यों से दिल्ली में कूच करेंगी। ये यहां पर जानकारी दी गई है पहलवानों की तरफ से। देख सकते हैं कि नए संसद भवन के उद्घाटन से पहले हंगामा देखने को मिल रहा है और अब पूरे मामले में सरकार की मुश्किलें बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। इस वक्त की दोस्तों बड़ी अपडेट थी। आप लोगों की क्या कुछ राय है खबर को लेकर के कमेंट बॉक्स में बताइएगा। वीडियो अगर पसंद आया हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।